तो चूँकि मैंने बताया है कि यहाँ पर सीक्वेंस से सजा दे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर गुड के बाद पुअर आया और उसके बाद वेरी गुड आया, और यहाँ पर एक स्कूल ऐसा है जो आपको दिख रहा है कि वेरी पुअर। तो ये अपने आप ऑटो फिल्टर दिया हुआ है, सीक्वेंस में अपने आप अरेंज हो जाता है। तो इसको हम बिना एक्सेल में एक्सपोर्ट किए हुए भी देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमें ये जानना है कि कितने स्कूल ओपन या फंक्शन है, तो हम इस पर जाकर क्लिक करेंगे। तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि इस पीरियड में, अगर इस पीरियड की बात करें, तो हमारे पास इतने स्कूल हैं जो उस पीरियड में आपको, या विजिट का डेट भी देख रहे हैं, इस डेट को ये बंद पाया गया। तो इसके लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। आप इस पर कॉल करके उनके से पूछ भी सकते हैं कि ये स्कूल क्यों था, लेकिन इनको यहाँ पे रीज़न भी देना था कि ये स्कूल बंद क्यों था। तो ये यहाँ पर रीज़न स्पष्ट नहीं है, तो आप इस अस्पष्ट न होने की स्थिति में इनसे कॉल करके पूछा जा सकता है कि स्कूल में आपने क्या देखा कि बंद पाया गया, या उन्होंने विस्तृत रूप से जाने का प्रयास किया कि नहीं किया। तो ये आपने देखा कि आपको जो देखना है, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करते ही आपको अरेंज कर देगा आपके आपके सर्च रिजल्ट को। तो आप इसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे या देख पाएंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट या आपका ब्लॉक में जो स्कूल है, वो या पर्टिकुलर स्कूल है जो इंस्पेक्ट किए गए उस पर्टिकुलर डेट पे, वो कैसे दिखता है वहाँ पे। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करके देखना चाहते हैं एक्सेल में, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर डाउनलोड डाउनलोड हो चुका है। तो या तो अगर इसको नाम से अगर सेव करना चाहते हैं किसी, चूँकि ये डिफ़ॉल्ट नेम से सेव होता है यहाँ पर, तो अगर रीनेम चाहते हैं तो उसका भी अलग प्रोसेस है, लेकिन हमें चूँकि सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, इसलिए हम इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो अभी इसको एक्सेल फाइल में भी फिल्टर लगाना मैं बताता हूँ कैसे लगाया जाता है, सिंपल सा स्टेप है। इसके माध्यम से भी आप इसको डेटा को देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और आपने अपने ब्लॉक रिव्यू होता है, या क्लस्टर रिव्यू मीटिंग होता है, या डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग होता है, उसमें आप आंकड़ों के बेस पे बात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें शिफ्ट के साथ इसको एंड बटन दबाएंगे, तो ये अपने आप ऐसो जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसको लेफ्ट से राइट की ओर किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करें, तो पहले इसे सेलेक्ट शिफ्ट दबाएंगे, और शिफ्ट के साथ होम बटन दबाएंगे, तो आपको राइट से लेफ्ट की ओर सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखा कि हमने ऊपर का जो टाइटल बॉक्स था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, और इसके लिए आसान सा आपके होम पेज पे ही यहाँ पे एक्सेल के देखेंगे तो सॉर्ट एंड फिल्टर होता है, इस पर क्लिक करेंगे और फिल्टर पे क्लिक करेंगे। तो अपने आप यहाँ देखें कि एक फिल्टर यहाँ पे लग गया है, इस ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का है। तो अगर मान लेते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक देखना चाहते हैं, यहाँ पर सारे ब्लॉक होंगे, तो अगर इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है कि देवरी ब्लॉक को देखना है, तो देवरी ब्लॉक पर कैसे क्लिक करेंगे, तो ये सिर्फ देवरी ब्लॉक का आ गया। और यहाँ देख रहे हैं कि इसे देवरी ब्लॉक में टोटल 916 रिकॉर्ड फाउंड किए गए हैं, कि इस 10 1 से मार्च से लेकर 10 तक है, सो 916 स्कूल इंस्पेक्ट किए गए हैं। डिफरेंट डेट हो सकते हैं, एक ही स्कूल को मल्टीपल टाइम है सो इंस्पेक्ट किया गया होगा, लेकिन ये टोटलिटी में दिखाता है ये। तो देख सकते हैं कि 916 स्कूल्स में से 82 स्कूल ऐसे हैं जो देवरी ब्लॉक्स में आते हैं। और यहाँ पर वही जो पिछले पेज में आपने देखा था कि विजिट का डेट होगा, कि इन्होंने विजिट किया वो होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा, उन्होंने क्या डेटा एंटर किया है वो होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अवधेश जी ने यहाँ पर नो दिया है, और यहाँ पे कोई उनका रीज़न लिखना था, शायद वो नहीं लिख पाए हैं। तो आप इनसे देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको आज डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग में या ब्लॉक रिव्यू मीटिंग में सिर्फ इस मुद्दे पर बात करना है कि मुझे ऐसे स्कूल पर बात करना है जो फंक्शनिंग नहीं थे, तो यहाँ पर टिक करेंगे, नो सर्च करेंगे, तो देवरी में सिर्फ एक ही स्कूल है जो इस डेट को, 6 मार्च को विजिट तो किया गया लेकिन बंद पाया गया।
तो अगर आपको फिल्टर को ख़त्म करना है तो यहाँ क्लियर फिल्टर फॉर्म करेंगे तो फिर से वो अपने आप आ जाएगा। तो जो आप डेटा देखना चाहते हैं यहाँ पे कि ज्ञान सेतु कौन, ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पर ज्ञान सेतु सपोज टू बी कंडक्टेड है, होना चाहिए, तो आपको देखना चाहिए कि ऐसे कौन से स्कूल है जहाँ पर ये देखना है कि ज्ञान सेतु चलना चाहिए, तो यस पर करेंगे। तो आपको यहाँ पर 80 स्कूल ऐसे दिखे जहाँ पर ज्ञान सेतु चलना चाहिए, सीआरपी वीआरपी को इंस्पेक्ट करने के दौरान लगा कि इन स्कूल में ज्ञान सेतु चलाया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको देखना है कि आपके ब्लॉक्स में जो देवरी ब्लॉक है उसमें कितने पुअर परफॉर्मिंग स्कूल हैं, तो इसमें भी जाएंगे तो इसमें जैसे देख रहे हैं कोई पुअर नहीं है, सारे के सारे गुड या वेरी गुड हैं। तो इस ब्लॉक में कोई पुअर या वेरी पुअर स्कूल नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा है। हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने ब्लॉक में ये प्रयत्न करना है कि हमारे साझे प्रयास से हमारे सारे स्कूल अच्छी स्थिति में आ पाए, बच्चे वहाँ पर सीख पाए, जो एनसीईआरटी ने नॉर्म्स फिट किया है कि लर्निंग आउटकम के अनुरूप उनके साथ सीखने सिखाने का काम होना चाहिए। तो इसके अनुसार आप उनको ट्रैक कर सकते हैं लर्निंग को भी, जो आपके होम ज्ञान सेतु वाले होम वेब पेज पे दिखना शुरू हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्ञान सेतु कंडक्टेड टुडे में है, तो उस डेट में वो गए थे, तो हो सकता है कि वो प्री लंच में ही ज्ञान सेतु चलाया जा रहा हो और वो उसके बाद पहुँचे, तो उन्होंने रीजन डाला रीस्ट आफ्टर रिमेडियन आफ्टर आवर्स। तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्कूल तो इंस्पेक्ट किया है लेकिन ज्ञान सेतु के बाद वो पहुँच पाए वहाँ पे, इसके कारण उन्होंने ये रीजन यहाँ पर लिखा है। तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी ये ट्रांसपेरेंट डेटा होता है, इसमें आपको सब कुछ दिखेगा, जो आप आंकड़े ढूंढना चाहेंगे वो इजीली एक्सेसिबल है। इसके बेस पे आप अपने रिव्यू मीटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं।